Hello everybody and welcome in Atika's bio and now we will discuss about chromatography. Basically chroma का मतलब है color and graphy means writing. So ये एक तरह की color writing है. इसको first time use किया गया था Michael Sweet ने. Use कैसे किया था? Basically photosynthetic pigment chlorophyll को chromatography की help से separate किया था, right? So chroma means color एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग, इसीलिए हम कहते हैं ये कलर राइटिंग है. इसको डिस्कवर किसने किया गया था? माइकल स्वेट ने किया था, राइट. सो नाउ डेफिनेशन. It is a technique which is used to separate component of mixture distributed between two phase. ये कैसी टेक्निक है जिसमें हम क्या चीज़ सेपरेट करते हैं? एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं और वो कंपोनेंट्स जो है वो टू फेज में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. एक फेज जो है उसको हम मोबाइल फेज कहते हैं. मोबाइल फेज रनिंग फेज होता है या फिर मूवेबल फेज या मूविंग फेज होता है जो कि कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, राइट. जबकि स्टेशनरी फेज जो होता है वो फिक्स टू वन प्लेस होता है, स्टेशनरी होता है, मींस रुका हुआ, राइट. सो पेपर क्रोमेटोग्राफी के केस में जो हमारे पास स्टेशनरी फेज है वो एक पेपर है, राइट. सो हियर ये एक ऐसी टेक्निक है बेसिकली जिसमें हम सेपरेट करते हैं किसी भी चीज़ को. हम सेपरेट मस्ट करेंगे सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट करेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मोबाइल और स्टेशनरी फेस, राइट. सो इसमें जो जिस कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं वो टू फेज, यानी कि टू फेज कौन से हैं? मोबाइल या स्टेशनरी फेज में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, राइट. सो ये टेक्निक जो है बेसिकली बेस करती है इस फैक्ट पे कि जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं वो डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करेंगे स्टेशनरी फेज में. स्टेशनरी फेज में डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करेंगे और ये कैसे मूव करेंगे? मोबाइल फेज के इन्फ्लुएंस से, क्योंकि यहाँ पे जो सेपरेशन होगी वो मोबाइल फेज की इन्फ्लुएंस से स्टेशनरी फेज पर होगी. यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी मिक्सचर जिसको हमने लिया है सैम्पल जिसको हमने सेपरेट करना है तो वो मूव किधर करेंगे? वो स्टेशनरी फेज पर मूव करेगा. लेकिन किसके इन्फ्लुएंस पर मूवमेंट होगी, किसके इन्फ्लुएंस पर सेपरेशन होगी? मोबाइल फेज के इन्फ्लुएंस पर, राइट. सो और जो सेपरेशन होगी वो मॉलिक्यूलर वेट की बेस पर होगी. अगर वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूल यानी लेट सपोज इन सेपरेशन लाइक फॉर एग्जांपल हमने इंक लिया तो उसमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो शोन हो गए हैं. अब वो कलर जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एज कम्पेयर टू द अदर कॉम्पोनेंट जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो वो लेस डिस्टेंस कवर करेगा. सो हमारे पास ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है. इसमें हमने एक बीकर लिया है. बीकर के अंदर हमने यहाँ पे जो सॉल्वेंट ऐड किया हुआ है इट कैन बी वाटर और सम अदर थिंग राइट लाइक एसीटोन. और यहाँ पर वुडन पीस है, पीस ऑफ वुड है. यहाँ पर ही हमारे पास वाटमन फिल्टर पेपर है. ये हमने पिन से इसको फिक्स किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है पेपर को, राइट. सो यहाँ पर हमारे पास ये डॉट जो है ये इंक है, इंक स्पॉट है जिसकी हमने सेपरेशन करवानी है, जिसके कंपोनेंट को हमने सेपरेट करवाना है, राइट हेयर. सो अब हम ये जो वाटर है बेसिकली जो सॉल्वेंट है ये मोबाइल फेस है और ये जो पेपर है ये हमारे पास स्टेशनरी फेस है, राइट. दिस पेपर इज़ बेसिकली अ स्टेशनरी फेस एंड दिस वाटर इज़ अ मोबाइल फेस. अब क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है या जो वाटर है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा. इस ये प्रोसेस हम तभी स्टार्ट करेंगे जब हमारे पास ये इंक जो है इंक का जो ड्रॉप है ये ड्राई हो जाए, राइट. ये ड्राई हो जाए तब हम ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तो ये जो वाटर है या जो सॉल्वेंट है ये राइज करेगा इस फिल्टर पेपर पर. इसको हमने इतना ही डिप करेंगे, ये जो पीस ऑफ
फ़िल्टर पेपर या पीस ऑफ वाटमन फ़िल्टर पेपर जो है, इसको हमने अबाउट 1 सेंटीमीटर डिप करना है वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में, लिटिल बिट, ये जो इंक का स्पॉट है ये इसमें डिप ना हो, उससे लिटिल बिट कॉर्नर एक जस्ट हमने डिप करना होगा वाटर में। अब जो वाटर है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा स्लोली स्लोली इस पूरे फ़िल्टर पेपर पे बाय द एक्शन ऑफ कैपिलरी एक्शन, राइट। वाटर राइज होगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू। वाटर जब राइज होगा तो साथ ये जो इंक का स्पॉट है इसको भी अपने साथ राइज करवाएगा। जब ये इंक को राइज करवाना स्टार्ट कर देगा, इंक जो है वो स्प्रेडिंग इंक की होगी, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें शोन हो जाएंगे। वो कंपोनेंट जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे एज़ कम्पेयर टू द कंपोनेंट विच हैव मोर मॉलिक्यूलर वेट, राइट। सो हियर इन दिस केस ये हमारे पास लेट सपोज अ ब्राउन कलर है। अब वाटर ने राइज करना स्टार्ट कर दिया है जो कि हमने यहाँ पे शोन नहीं किया, लेकिन कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर राइज करता है एज वी ऑल नो, राइट। सो इस केस में अब वाटर ने लेट सपोज राइज करना स्टार्ट किया है। वाटर जो है वो इजीली फ़िल्टर पेपर के थ्रू या पेपर के थ्रू किसी भी राइज इजीली करता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है वाटर की और सेलुलोज की, राइट, ईज़िली एड्जॉर्ब हो जाते हैं। सो ये जो लेट सपोज़ ये जो ब्राउन कलर है ये ज़्यादा ऊपर तक आया है, राइट। ये ऊपर तक ज़्यादा क्यों आया है, क्योंकि इसका जो वो है मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेट सपोज़ ये पर्पल ने यहाँ तक पर्पल कंपोनेंट जो है इसने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है ऑन द टॉप। अब इसने यहाँ तक डिस्टेंस कैसे कवर किया, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा कम था तो ये वाटर के साथ काफ़ी ऊपर तक किया एज़ कम्पेयर टू द दिस वन येल्लो। अब जो येल्लो कलर है इसका लेट सपोज़ मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है और इसने लिटिल बिट डिस्टेंस कवर किया है, राइट। सो जिस कंपोनेंट का जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा उस हिसाब से ही मूवमेंट हो सकेगी फ़िल्टर पेपर पे, और ये मूवमेंट किसके इन्फ्लुएंस पे हो रही है, मोबाइल फेस के इन्फ्लुएंस पे हो रही है, राइट। लेट सपोज अब RF वैल्यू होती क्या है, रिटार्डेशन फैक्टर। इसमें बेसिकली डिस्टेंस जो है वो सल्यूट का लिया जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय सल्यूट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय बेसिकली ये RF वैल्यू है। लेट सपोज अब जो ब्राउन कलर है हेयर इन दिस केस, ये जो ब्राउन कलर है ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। लेट सपोज ब्राउन को चलें छोड़ दें, येल्लो का कर लेते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, जिसने बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस कवर किया। सो फॉर एग्जांपल लेट सपोज इसने 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया और वाटर ने 14 किया है। सो लेट सपोज जो सल्यूट ने डिस्टेंस कवर किया है वो 2 सेंटीमीटर है और जो वाटर ने कवर किया है जो कि एक सॉल्वेंट है वो 14 है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1/7 आएगी, राइट। हमारे पास जो वैल्यू आती है इस टाइम पे, सो 1/7 वैल्यू आएगी। अब जो बुक में आंसर गिवन होते हैं बेसिकली हम जो क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस करते हैं, सो बुक में सारे आंसर गिवन होते हैं। अगर हमारी वैल्यू जो है 1/7 उसमें लिखी है तो हमें ये वो शोन कर सकता है कि लेट सपोज आर्जिनिन की क्या वैल्यू है, RF वैल्यू क्या है, और जो डिफरेंट दूसरी प्रोटीन्स हैं उसकी जो RF वैल्यू होती है, अगर RF वैल्यू मैच करती हैं तो वो ये शो करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा मॉलिक्यूल है, ये आर्जिनिन है या कार्बोहाइड्रेट का कोई कंपोनेंट है, राइट। सो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है 1/7, जब हम इसको क्रोमेटोग्राफी की बुक में चेक करेंगे इस RF वैल्यू को, अगर वो मैच कर जाती है तो हमें ये शो करवाएगी कि ये किस चीज़ की वैल्यू है। जिस चीज़ की वैल्यू होती है वो हमें बुक से उसका पता चलता है, राइट। सो हेयर जो क्रोमेटोग्राफी है मोबाइल फेज की बेस पर उसकी 2 टाइप्स हैं, क्रोमेटोग्राफी की मोबाइल फेज जो कि मूविंग फेज होता है, जो कि वाटर भी हो सकता है या कोई भी दूसरा सॉल्वेंट एसीटोन और अदर थिंग कुछ भी हो सकता है। सो उस बेस पे उसकी 2 टाइप्स हैं, लिक्विड एंड गैस, राइट। अब स्टेशनरी फेज की बेस पर कौन सी टाइप्स हैं लिक्विड की, सॉलिड एंड लिक्विड, और गैस की टाइप्स हैं सॉलिड एंड लिक्विड, राइट। दोनों की सॉलिड एंड लिक्विड स्टेशनरी। क्रोमेटोग्राफी की मोबाइल फेज की बेस पे 2 टाइप्स हैं और स्टेशनरी बेस की फेज की बेस पे ये टाइप्स हैं, राइट, सॉलिड लिक्विड। अब क्रोमेटोग्राफी कितनी टाइप्स की हो गई, लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी।
लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी जो है ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है जो कि हम फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो कि अभी हमने डिस्कस की, जिसमें हमने एक में इंक ली और एक में हमने वाटर का यूज़ किया, राइट। सो ये हमारे पास लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी थी। गैस के केस में गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी भी है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी है, राइट। सो ये टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की, ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज। ST मीन स्टेशनरी फेज, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो क्रोमेटोग्राफी जो है वो फाइव प्रिंसिपल को फॉलो करती है। फर्स्ट वन उसमें है एड्सॉर्प्शन। अब एड्सॉर्प्शन होता क्या है? बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस, सर्फेस पे मॉलिक्यूल्स की अक्यूमुलेशन टू फॉर्म अ थिन फिल्म ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड। बेसिकली जो कोई भी मोबाइल फेज में कोई भी जो सॉल्वेंट होता है वो एक स्टेशनरी फेज पे कैसे अक्यूमुलेट करता है? एड्सॉर्प्शन की बेस पर, यानी मॉलिक्यूल्स की अक्यूमुलेशन स्प्रेडिंग जो है वो एड्सॉर्प्शन के थ्रू होती है, लेकिन एफिनिटी भी बेस करती है, कितनी एफिनिटी शो हो रही है। सेकेंड वन इज़ पार्टीशन। पार्टीशन इज़ वी ऑल नो डिवाइड्स इनटू पार्ट्स। ये बेसिकली प्रिंसिपल है जिस पे क्रोमेटोग्राफी बेस करती है। थर्ड वन इज़ मॉलिकुलर सीविंग, राइट। फोर्थ वन इज़ आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज की एक अलग से टाइप है क्रोमेटोग्राफी की, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जो कि मोस्ट कॉमनली इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में यूज़ होती है। बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयन को एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन अ सोल्यूशन एंड एन इनसोलेबल सॉलिड, राइट। सो ये एक प्रोसेस है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एक अलग से टॉपिक भी है। द फिफ्थ वन इज़ एफिनिटी। एफिनिटी बेसिकली अ फोर्स दैट अट्रैक्ट एंड बाइंडिंग दैम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, इट इज़ कॉल्ड एफिनिटी, राइट। सो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी के केस में भी बहुत ज़्यादा एफिनिटी शो होती है। एफिनिटी एड्सॉर्प्शन इनके बगैर बेसिकली क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस नहीं हो सकता। सो ये वो बेसिकली फाइव प्रिंसिपल हैं जो कि क्रोमेटोग्राफी में मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर। अप टू दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।